मेरा नाम अलीम है और आज हम देखेंगे कृषि सॉफ्टवेयर एग्री सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लुक है। इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो यूजर नेम पासवर्ड आप इसमें रख सकते हो, या फिर आपकी जो लड़का है या मैनेजर है उसको उसके हिसाब से लिमिटेड के हिसाब से यूजर नेम पासवर्ड बना के दे सकते हो कि उतना ही काम करे। ओके दबाने के बाद में ये सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लुक है। यहाँ पे क्या आएगा कि नीचे जो आपको ब्लू ये जो पट्टी दिख रही है, इसमें आपको आपका जो एक्सपायरी हुआ है जो प्रोडक्ट है वो इसमें आपको स्क्रॉल होते रहेगा, जिससे आपको एक्सपायरी होने वाला है एक महीने में वो आप उसको बेच दो या फिर निकाल दो, ये आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। दूसरा इसके अंदर है रिकॉर्ड में कस्टमर मास्टर, जो अपने कस्टमर्स रहते हैं उनके बारे में डिटेल्स भरने के लिए। सॉफ्टवेयर में टोटल 5 बटन्स है, न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। ये 5 बटन अगर आपको समझ में आ गया तो सॉफ्टवेयर कैसा यूज करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आज देखते हैं कि ये 5 बटन कैसे काम करते हैं। क्लोज यानी बंद करना, ये जो फॉर्म है ये बंद हो जाएगा, बचे 4 बटन्स। नेक्स्ट है व्यू। व्यू मतलब ओल्ड डेटा जो होता है वो देखने के लिए होता है। अगर उसमें कुछ चेंज करना है आपको तो मॉडिफाई, अगर उसको नहीं चाहिए डिलीट करना है तो डिलीट। और नेक्स्ट बटन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है न्यू। जैसे न्यू को क्लिक करते हो तो बटन कन्वर्ट होके सेव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आपके हिसाब से एंट्रीज कर सकते हो। नाम आ गया राजू पाटिल, एड्रेस सांगली, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी, ईमेल आई रहेगा तो उसके ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर रहेगा तो जीएसटी नंबर दे दो कस्टमर का, नहीं तो अभी आधार कार्ड का नंबर कंपलसरी हो गया है आधार कार्ड डाल दो, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो कोई टेंशन नहीं। उसके क्रेडिट लिमिट कितना लगाना है आपको, मतलब उधारी का, समझो आपने 50,000 रुपये लगा दिया है उधारी लिमिट और आप उसके ऊपर उसका लिमिट जाता है तो बिल करते हो तो बता देगा कि इसका लिमिट खत्म हो गया है, एक तो इसका लिमिट बढ़ाओ या फिर अभी इसके आगे बिल मत करो, पेमेंट ले लो। नेक्स्ट है उसका ओपनिंग बैलेंस, मतलब जुना उधारी, इसके आगे अभी तक जो उधार दिया है स्टार्टिंग को उसका ओपनिंग बैलेंस में आप उसका उधारी डाल सकते हो। नेक्स्ट है वो कौन से स्टेट से है, नॉर्मली कस्टमर आपके जो स्टेट है वो हिसाब से रहेगा और उसका स्टेट कोड, और अगर मिक्सअप होता रहेगा तो आप उसके फोटोज वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। सिंपल प्रोसीजर है, जस्ट क्लिक करो। तो उसका फोटो यहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा और ये सेव, अजू पटेल सेव हो गया। इसमें तो आपको चेंज करना रहेगा, जैसे उधारी लिमिट और क्रेडिट लिमिट डालना है आपको तो ये ओके बोलेंगे। उसका क्रेडिट लिमिट समझो आप 50,000 रुपये हो गया, उसका ओपनिंग बैलेंस 1,850 रुपये होता है एंड ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र 27। और मॉडिफाइव, जैसे आप चेंज करते हो तो आपको यहाँ पे इसके चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे हमने अभी ओपनिंग बैलेंस डाला है, क्रेडिट लिमिट डाला है, स्टेट स्टेट कोड डाला हुआ है, ये नहीं चाहिए रहेगा तो ओके बोलो और यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दो तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सप्लायर मास्टर में, जहाँ से हम मटेरियल लेके आते हैं परचेस करते हैं वो डीलर का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। सेम वही 5 बटन है, जैसे न्यू बोलोगे तो डीलर का नाम आ जाएगा, नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, उसका जीएसटी नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेट कोड, और अपने आंग पे अगर कुछ उसका उधारी निकलता है तो वो उधारी यहाँ पे डालना, ओके। नेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर में वही 5 बटन है, न्यू किया तो उसका एचएसएन कोड जो आपका रहेगा वो मटेरियल का नाम और किस कंपनी से है वो कंपनी का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि मुझे अभी बनाना है यहाँ पे टाटा का है, टाटा रैलीज का, तो यहाँ पे क्लिक करो बाजू में बटन में, अगर टाटा का रैलीज वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके टाटा रैलीज एक टाइम ही बनाना है, वन टाइम, वो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस दिखता रहेगा टाटा रैलीज बोल के। जैसे टी दबाओगे आप तो टाटा रैलीज यहाँ पे आ जाएगा। उसका परचेसिंग प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है कैश सेल में, और उसमें अगर समझो आपको क्रेडिट सेल भी रखना है कि क्रेडिट में अगर कोई उधारी लेट देता है पैसा तो उसका कुछ रेट बढ़ा के लगाना है तो वो हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऊपर किया मैंने कैश सेल का 120 रुपया, क्रेडिट सेल का 130 रुपीस, ओके। उसका कितना जीएसटी लगता है समझो 18% लगता है, उसको हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइजर,
अगर कुछ बायो ऑर्गेनिक रहेगा इस टाइप, जैसे यहाँ पे डालते हो तो ये आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेगा। इस टाइप से आप अलग अलग सेल देख सकते हो कि पेस्टिसाइड का सेल कितना हुआ है, परचेस कितना हुआ है, उसका स्टॉक कितना है, वो आप अलग अलग उसका डिपार्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको, रिकॉर्ड इंसर्टेड। नेक्स्ट है इसके अंदर रिकॉर्ड्स में बैंक अकाउंट, उसका आगे देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं कि परचेस बिल, F2 आप बटन दबाते हो तो परचेस बिल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। वही 5 बटन आपको मिलेंगे, न्यू, व्यू, मॉडिफाई, डिलीट एंड क्लोज। न्यू दबाते हो तो किस डेट का आपको बिल परचेस करना है, कोई पीछे डेट का रहेगा, कोई आगे डेट का रहेगा, तो वो आपके हिसाब से एडजस्ट करा के ले सकते हो। ओके, बिल नंबर क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं है तो अलग से डिस्ट्रीब्यूटर का नाम पीछे जाके बंद करके डिस्ट्रीब्यूटर नाम डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाजू में बटन दिया हुआ है, क्लिक करो, यहाँ पे आपके हिसाब से आपको जो लगता है वो हिसाब से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाल दो, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेव कर दो। इसी सेव करोगे तो यहाँ पे उसका नाम आपको दिखेगा। कौन सा मॉडल आपको चाहिए, जैसे कि राउंडअप चाहिए मुझे, राउंडअप आ गया, उसका बैच नंबर आ गया, उसका एक्सपायरी आ गई, कितने क्वांटिटी आपने लिया हुआ है, क्वांटिटी आ गया 9%, 9% मतलब 18% का टोटल कैलकुलेशन किया उसने जीएसटी का, और वो हिसाब से रेट में भी बढ़ा दिया। एंटर 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 एंटर, ये आ गया यहाँ पे नीचे। ओके, अब क्या हुआ है कि मुझे 11 क्वांटिटी थे, मैंने गलती से यहाँ पे 10 क्वांटिटीज डाले हुए हैं, तो इसको मुझे चेंज करना है। तो जब इसको डबल क्लिक करोगे दो बार तो ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आप इस हिसाब से 11 क्वांटिटी में चेंज कर दो, 9% 9% यहाँ पे चेंज हो गया पूरा। ओके, इस टाइप से आप परचेसिंग कर सकते हो। अगर कोई दूसरा आइटम करना है वो भी आप ले लिया, वो 10 लिए, 9% 9%, ये पूरा आ गया। यहाँ पे आप इसको फिर सेव कर दो। अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो वो हिसाब से आप डिस्काउंट भी डाल सकते हो, कुछ ट्रांसपोर्ट में अगर आपका पैसा गया है तो ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। ओके, सेव कर दो तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड इंसर्ट जब आप करते हो तो ये जो मटेरियल है ये मटेरियल स्टॉक में आ जाएगा, जैसे कि राउंडअप के 11 बाटली, एबीसी के 10 बाटली ये आ जाएगा, और ये जो अमाउंट है 2478 ये इसके नाम पे क्रेडिट में चढ़ जाएगा, एक्स वाई जेड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे। ओके, नेक्स्ट है सेल बिल, जो हम लोग सेल करते हैं कस्टमर को या शेतकरी को। यहाँ पे वही 5 बटन है, बस 2 बटन एक्स्ट्रा है प्रिंटिंग के लिए। न्यू बोलो, जैसे न्यू करते हो तो डेट आ जाएगी, फ्रंट डेट बैक डेट दोनों भी आप सेल कर सकते हो। वो कस्टमर का नाम विथ एड्रेस आ जाएगा, जैसे आप उसको क्लिक करते हो राजू पाटिल, तो उसकी लास्ट उधारी कितनी है 1850 रुपये, और उसे क्रेडिट लिमिट कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका मोबाइल नंबर आएगा जिस पे आप ये बिल, अगर इंटरनेट रहेगा तो SMS भी कर सकते हो F11 का बटन दबा के। ओके, ये जो बिल आप करने वाले हो ये कैश में है या क्रेडिट में है ये यही पूछेगा। अगर कैश रहेगा तो कैश खाते में चला जाएगा, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट खाते में चला जाएगा। कैश करो। मटेरियल, मटेरियल में ABC का हमने 10 परचेस किया था, वो इधर स्टॉक में दिखा रहा है, इधर किधर ही आपको स्टॉक मालूम पड़ेगा, अलग से आपको जाके स्टॉक में है या नहीं वो देखते बैठने की जरूरत नहीं है। राउंडअप कितना किया है, इसे क्लिक करते हो आप राउंडअप को, जैसे मैंने यहाँ पे किया आर लेते हो तो राउंडअप का यहाँ पे मिलेगा। एंटर करो कौन सी कंपनी का है, उसका बैच नंबर क्या है, लास्ट बैच नंबर, उसका एक्सपायरी क्या आया हुआ है वो दिखेगा आपको। जैसे आप क्वांटिटी डालते हो एक, तो बाकी का पूरा कैलकुलेट करके वही खुद रख देगा। जैसे कि 150 रुपये उसका प्राइस है, 9% SGST, 9% CGST लगाएगा, परसेंटेज के हिसाब से दिखाएगा पूरा, और 150 रुपये ही अमाउंट रखेगा जो अपने को चाहिए रहता है रिटेल में, इंक्लूडिंग लगाएगा। ये पूरा एंटर एंटर करके नीचे आएगा। नेक्स्ट है इसमें ABC का, ये पूरा दिखा दिया, उसका पूरा आ गया। जो यहाँ पे ये ABC का कैश रेट, क्रेडिट रेट का चेंजेस आपको दिखाने थे, जैसे आप क्रेडिट दबाते हो तो 130 होता है, जैसे आप कैश करते हो तो 120 जैसा आपको चाहिए हो, प्लस आप सेल करते करते चेंज भी कर सकते हो, जैसे मुझे 115 में देना है उसको, वो कैश दे रहा है वो हिसाब से, या फिर 118 में, तो इधर किधर ही आप चेंज हो जाएगा पूरा उसका। यहाँ पे आ गया, जैसे आप यहाँ पे सेव करते हो तो सेव रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि हाफ साइज का बिल आएगा, फुल साइज का आएगा, अगर आप कंपोजिशन में हो तो कंपोजिशन में आएगा। विदाउट नाम का आपको बिल देना है, आपका जो फर्म का नाम है वो नहीं चाहिए, सिर्फ बिल देना है, वो भी आ जाएगा प्लेन में। हाफ की प्रिंट साइज कैसी होगी वो दिखाता हूँ,
प्रिंट प्रीव्यू आप करते हो तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको इसमें ये पूरा दिखेगा। इसमें आपका आपका पूरा नाम आएगा, एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी अगर होगा आप तो मेल आईडी डाल सकते हो, जीएसटी नंबर आएगा, फर्टिलाइजर का लाइसेंस नंबर, सीड लाइसेंस नंबर, पेस्टिसाइड लाइसेंस नंबर, इधर ही पूरे डाल सकते हो। अगर कुछ ये छोड़ के अलग लाइसेंस नंबर है वो भी आगे यहाँ पे आ जाएगा, स्पेस है बहुत सारी, ठीक है। अगर आपका कुछ लोगो है तो लोगो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इनवॉइस का नंबर, नेम, उसका कुछ एड्रेस भी यहाँ पे आगे होता है, नंबर होता है उसका, आधार कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर रहेगा तो यहाँ पे दिखाएगा। टैक्स इनवॉइस आएगा, कैश में किया है या क्रेडिट में किया है। डेट, स्टेट कौन सा है, स्टेट कोड जो कंपलसरी है आजकल जीएसटी के लिए। एचएसएन नंबर में आएगा यहाँ पे, वो आइटम का एचएसएन नंबर क्या है, आइटम और उसका पैकिंग अगर रहेगा आपने डाला है तो पैकिंग भी यहाँ पे दिखाएगा। दूसरा आएगा उसका मैन्युफैक्चर कौन है, जीएसटी कितने परसेंट लगा, बैच नंबर, एक्सपायरी, कितने क्वांटिटी हमने दिए एक और एक, उसका रेट क्या था, टोटल अमाउंट कितना हुआ, उस पर जीएसटी कितना लगा, सी जीएसटी, एस जीएसटी, अगर आप इंटर स्टेट बिलिंग करते हो तो आई जीएसटी में आ जाएगा, टोटल जीएसटी कितना हुआ, ग्रॉस अमाउंट, अगर कुछ डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट, ट्रांसपोर्ट अगर लगाया हुआ है तो उस पर ट्रांसपोर्ट आएगा, जीएसटी कितने परसेंट लगा और टोटल बिल कितना हुआ, ओके। इस टाइप में पूरा आएगा, यहाँ पे कस्टमर की साइन आएगी और उसके नीचे उसका जुना उधारी अगर आपको डालना है तो यहाँ डाल सकते हो। अगर साइन लेते हो तो उतना उधारी वो उसको कबूल करता है कि इतनी उधारी उसकी बाकी है, तो वो साइन आप लेके उसको फिक्स करा के ले सकते हो कि इतना आपका देना बाकी है करके, ओके, उधरी निकलती है आपकी करके, क्लोज कर दिया। सेकेंड यही टाइप में आपको बिग साइज का बिल आएगा जो फुल साइज में होता है, A4 साइज का, ज्यादा आइटम रहेंगे तो। अब जो छोटा बिल था उसमें 10 आइटम्स बैठते हैं, इसमें आपके 25 आइटम्स पूरे बैठ जाते हैं बिग साइज के बिल में, ठीक है। इसको कोई भी प्रिंटर सपोर्ट करता है, लेजर प्रिंटर आप लेते हो तो लेजर प्रिंटर ले लो, वेल एंड गुड, इंकजेट प्रिंटर, या फिर आपका अगर डॉट मैट्रिक्स आता है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल रहेगा तो थर्मल प्रिंटर भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है इसमें कंपोजिशन, जीएसटी का उल्लेख करना नहीं है आपको तो वो हिसाब से कंपोजिशन बिल रहेगा। कंपोजिशन टैक्स, टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, 1% आपको कंपोजिशन के हिसाब से देना है तो वो हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जीएसटी का यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे जीएसटी कुछ मैं निकाल दिया हूँ, कहीं भी जीएसटी नहीं, कंपोजिशन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पेमेंट, जो पेमेंट हम देते हैं परचेसिंग करके लाया हुआ है उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दिया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। रिसीट, कस्टमर हमें पैसे लाके देता है तो कस्टमर के पैसे का हिसाब इधर किधर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंस, मतलब खर्चा अपना, इसमें आप आपके हिसाब से एक्सपेंस के हेड्स बना सकते हो, जैसे कि अभी मैंने बनाया टी, चाय के लिए, चाय वाली कितना खर्चा हुआ है साल भर में मुझे, ना तो पेट्रोल। नेक्स्ट है सैलरी, जो आपके पास में कामगार है उसकी सैलरी वैलरी कितनी है, या फिर आप जो जैसा चाहिए आपको वो हिसाब से आप बना सकते हो। जैसे पेट्रोल को मैंने 2 तारीख को 100 रुपये दिया है, किसको दिया है तो राम को दिया हुआ, कहाँ जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन करना है वो हिसाब से आप कर सकते हो, यहाँ पे सेव कर दिया तो उसका एक्सपेंस में चला जाएगा, एक्सपेंस खाते में। नेक्स्ट है स्टॉक, जो स्टॉक आपको दिखेगा, F8 बटन दबाओगे तो स्टॉक आपका चालू हो जाएगा। इसमें क्या आएगा कि मैंने राउंड अप 11 परचेस किए हैं, एक सेल किया हुआ है, 10 स्टॉक में है, 150 रुपये उसका सेल रेट है, वो हिसाब से 1500 रुपये का स्टॉक आ जाएगा, ABC जो हमने किया था क्रिएट। टोटल क्वांटिटी कितने हैं मेरे पास में परचेस के, सेल के, टोटल स्टॉक कितना है और स्टॉक के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना है वो पूरा आ जाएगा। आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट स्टॉक का। दूसरा देखेंगे तो इसमें परचेस चलन आता है परचेस बिल के बाद में, परचेस रिटर्न अगर कुछ करना है आपको तो परचेस रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेल चलन, सेल बिल तो हमने देखा, सेल चलन बोल के आता है, सेल रिटर्न बिल कोई कुछ वापस ला के देता है तो वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। काउंटर सेल बोल के आता है सर्विस में, अभी जैसे हमने देखा वो हिसाब से डिपॉजिट एंड विड्रॉल बैंक का हिसाब किताब आ जाएगा। रिपोर्ट में परचेस रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, परचेस रिटर्न रिपोर्ट, सेल रिटर्न रिपोर्ट आ जाएगा पूरा उसके अंदर रिपोर्ट्स में। मैन्युफैक्चर वाइज सेल अपने को देखना है कि टाटा रैलीस का मैंने कितना बेचा है एक साल में, एक महीने में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो पूरा दिखा देगा। मटेरियल वाइज सेल आपको देखना है कि सिर्फ राउंड अप 1 लीटर की बाटली मैंने कितना बेचा है साल भर में, वो दिखा देगा। कितना परचेस किया है वो मालूम पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको डेड स्टॉक क्या है आपके पास में वो पूरा दिखा देगा ये चार इसके अंदर। अलग अलग टाइप के स्टॉक्स आएंगे, जैसे कि नॉर्मल स्टॉक आ गया, टाइप वाइज स्टॉक आ गया, जीएसटी वाइज स्टॉक आपको पूरा दिखा देगा उसके अंदर। तो डेट वाइज स्टॉक आपको देखना है तो डेट वाइज स्टॉक भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। टोटल
स्टॉक डिटेल्स क्या है, वो स्टॉक डिटेल्स पूरा आपको उसमें आ जाएगा, जिसमें परचेस कितना किया हुआ है, अगर कुछ परचेस रिटर्न आया दे दिया है तो वो कितना है, सेल कितना किया है, सेल रिटर्न अगर किया है तो वो भी पूरा इसमें स्टॉक डिटेल्स में मालूम पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर आपको मनी रिपोर्ट, सप्लायर लेजर, माल कब लिया है, पैसे कब दिया है, कितना हिसाब बाकी पूरा मालूम पड़ेगा। सप्लायर पेंडिंग, एक साथ में समझो मैं 10-12 मेरे पास में अलग अलग डीलर्स है जहां से मैं परचेस करता हूँ, तो वहां से आपको पूरा कितना बाकी है, मेरा टोटल देना कितना बाकी है मार्केट का, वो मालूम पड़ेगा। कस्टमर लेजर, कस्टमर ने आपके पास माल कब लेके गया है, पैसे कब लाके दिया हुआ है, उसका पूरा हिसाब किताब आएगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल। कस्टमर पेंडिंग में टोटल कस्टमर्स के कितने आने बाकी है वो पूरा मालूम पड़ेगा इससे, और सप्लायर पेंडिंग में आपको मालूम पड़ता है कि देना कितना है और आना कितना है, वो आप टैली कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट में। एक्सपेंस रिपोर्ट आएगा, पेमेंट रिपोर्ट आएगा, रिसीट रिपोर्ट आएगा, जीएसटी रिपोर्ट आएगा जो आपको सीए को देना है भरने के लिए, जिसमें आप जीएसटी R1 HSN वाइज पार्टी वाइज आएगा, जीएसटी R2 HSN वाइज पार्टी वाइज परचेस सेल के हिसाब से, और 3B रिपोर्ट। ये 5 रिपोर्ट आपको सीए को देने होते हैं। अगर आप कंपोजिशन में हो तो कंपोजिशन का एक रिपोर्ट दे दो, हो जाएगा पूरा टोटल। और एज पर योर रिक्वायरमेंट कुछ डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो डिटेल्स में 0% का कितना है, 18% का कितना है, 12% का कितना है, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिखा देगा। सेल में भी वही ऑप्शन दिया हुआ है पूरा, B2C B2B पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस में, डेट वाइज प्रॉफिट लॉस मालूम पड़ेगा, मटेरियल वाइज प्रॉफिट लॉस मालूम पड़ेगा, मैन्युफैक्चर वाइज कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है अपने को, कि ये कंपनी से काम करना है नहीं करना है, वो पूरा आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। ट्रांजेक्शन में मंथली ट्रांजेक्शन कितना था मेरा, कि ये महीने में कितना हुआ है ट्रांजेक्शन, अप्रैल में परचेसिंग कितना हुआ है, परचेस रिटर्न कितना हुआ है, सेल कितना किया है, सेल रिटर्न कितने किया है, तो इसी मई में कितना परचेसिंग है, कुछ रिटर्न किया है तो सेल कितना किया है, सेल रिटर्न, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डेली आपको देखना है तो डेली का भी ऑप्शन यहाँ पे है, कि ट्रांजेक्शन में आपको डेली का वैसे ही ऑप्शन दिखाई देगा। डे रिपोर्ट आएगा, रोज में पैसा आज आया कितना, गया कितना, और मेरे पास बाकी कितना है, पूरा ये दिखाएगा डेट टू डेट। और आएगा बैंक का रिपोर्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टोरेज में, स्टोरेज अगर आपको गोडाउन अलग करना है, शॉप अलग करना है, तो अलग अलग पूरा हिसाब किताब देगा। एक्सपायरी रिपोर्ट आएगा, जो आपका पेस्टिसाइड या फिर कुछ और है वो एक्सपायरी होता है तो यहाँ पे एक्सपायरी रिपोर्ट में आपको दिखाएगा। खरीद रिपोर्ट आएगा, जो आपको बुक होती है हाथ से भरने के लिए, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगी। स्टॉक बुक आएगा, स्टॉक बुक मतलब राउंड अप जो है, एक मटेरियल है वो मुझे कितने बार परचेस किया हुआ है, कितना सेल किया हुआ है, कैसे कैसे कौन कौन से डेट को सेल किया हुआ है, कैसे कैसे कौन कौन से डेट को परचेस किया हुआ, उसका पूरा हिसाब किताब आएगा। सिक्योरिटी में यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके दे सकते हो आप, आपके पास से, ठीक है। इस टाइप से अपना छोटा सिंपल पर इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये परचेस करना है तो इस दोनों नंबर में कोई भी एक नंबर पे आप फोन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विस अपने पास में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।